हेलो दोस्तों, दिशा ग्रुप ओप एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीली फंगस पे, जिसका नाम है फुलिगो सेप्टिका। आप हवा में सांस ले रहे हैं, क्या आपको पता है कि यह हवा शुद्ध है भी? ये हवा शुद्ध भी है और नहीं भी। हवा में न जाने कितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिसमें नग्न आंखों से न दिखने वाले धूलकण, वायरस, फंगस के परिपक्व बीजाणु और न जाने कितने पैथोजेंस। लेकिन हवा हमें शुद्ध तभी प्रतीत होती है जब उसमें कोई पार्टिकल मिलता हुआ दिखाई दे, जैसे धुआं, आंधी तूफान में धूलकण या फिर कोई दुर्गंध आती हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप किसी कांच के बने ऐसे ऑफिस या मकान में रहते हैं जो एयर टाइट हो, तो भी वहाँ हवा में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो आपके कपड़ों के माध्यम से पहुँच जाते हैं, या फिर वे आपके कपड़ों के धागे के भी हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि कोई भी पैथोजन हमें तभी बीमार डाल सकता है जब हम उससे युद्ध हार जाते हैं। वैसे भी कुदरत ने हमें सुरक्षा के बहुत से अंग दिए हैं। श्वास संबंधी बीमारी वाले पैथोजन को हमें बीमार डालने के लिए हमसे कई स्तरों पर युद्ध करना होता है। हमारे नाक में उपस्थित रोएं तथा म्यूकस ग्रंथि से दोनों मिलकर हमारे फेफड़ों में जाने वाले पैथोजन को रोकते हैं। जब कभी कोई पैथोजन इनको पार करके अंदर चला जाता है तो हमारी एंटीबॉडी इसके साथ लड़ती है, और यदि पैथोजन हमारी एंटीबॉडी को हरा देता है तो ही हम बीमार पड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई भी फंगस मनुष्य में गंभीर बीमारी एकदम उत्पन्न नहीं कर सकता। फंगस हमेशा अति संवेदनशील लोगों के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही रोग उत्पन्न कर सकता है, अन्यथा नहीं। आज हम जिस फंगस की बात करने जा रहे हैं वह पीली फंगस यानी कि फुलिगो सेप्टिका है। फुलिगो सेप्टिका फंगस की एक प्रजाति है। सामान्यतः रूप में कच्चे अंडे की जर्दी या कनेर के फूल के समान रंग तथा अपने अजीब पीले पित्त रंग उपस्थिति की वजह से कुत्ते की उल्टी के रूप में भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि यह देखने में कितना गंदा सा लग रहा है। शुरुआती दौर में यह ऐसा ही दिखता है, कुत्ते की उल्टी जैसा। लेकिन बाद में जैसे जैसे इसके स्पोर मैच्योर होते जाते हैं, इसका रंग बदलता चला जाता है। परिपक्व होने से पहले यह चमकीले पीले रंग का हो जाता है और किसी को भी अपनी सुंदरता से आकर्षित कर सकता है। दुनिया भर में इसका वितरण आम बात है और यह अक्सर भारी बारिश या अत्यधिक पानी के बाद शहरी क्षेत्रों में पेड़ की छाल या गीली घास पर पाया जाता है। इसके बीजाणु हवाई होते हैं, अर्थात मैच्योर अवस्था में ये हवा में फैलते रहते हैं। आइए इसका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। डोमेन यूकेरियोटा, संग अमीबोजोआ, वर्ग मायोक्सिगेस्ट्रिया, गण फिजरालेस, परिवार फाइसारेसी, जीनस फुलिगो, प्रजाति फुलिगो सेप्टिका। हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। प्रजातियों का पहला विवरण 1727 में फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री जीन मर्चेंट द्वारा प्रदान किया गया था, जिन्होंने इसे फ्लूर डी टेन अर्थात छाल फूल के रूप में संदर्भित किया था। जर्मन वनस्पति शास्त्री फ्रेडरिक हेनरिक द्वारा जीनस फुलिगो में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इसके वितरण और आवास के बारे में जान लेते हैं। फुलिगो सेप्टिका का प्लाज्मोडियम सफेद से पीले भूरे रंग में कहीं भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम अंततः एक स्पंज जैसे एथेलियम में बदल जाता है, जो एक मशरूम के ऊपरी हिस्से के समान दिखाई देने लगता है। जब इसके स्पोर परिपक्व हो जाते हैं तो यह रंग में गहरा हो जाता है। ज्यादातर देखा गया है कि मैच्योर अवस्था में इसके बीजाणु काले हो जाते हैं। वैसे लगभग सभी फंगस के बीजाणु मैच्योर अवस्था में काले ही पड़ जाते हैं। फुलिगो सेप्टिका अब अपने काले रंग के बीजाणु को हवा में छोड़ देता है। जैसे ही हवा चलती है, इसके बीजाणु हवा में उड़कर जगह जगह पहुंच जाते हैं। हवा के माध्यम से ही यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है और कहीं भी गिर सकता है तथा उचित वातावरण मिलने पर वहीं पर पनप जाता है। बीजाणुओं में दो परतों वाली दीवार होती है, जिसमें कांटों वाली घनी बाहरी परत और एक रेशेदार भीतरी परत होती है। अंकुरण के दौरान बाहरी परत एक खुलने के लिए विभाजित हो जाती है और अधिक लोचदार आंतरिक परत बाद में टूट जाती है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म उभरता है। आंतरिक परत का एक अवशेष लगातार बना रह सकता है। आंतरिक कोशिका भित्ति में मौजूद एक पेरोक्सीडेज एंजाइम अंकुरण में भूमिका निभाता है। फुलिगो सेप्टिका सड़े हुए लकड़ी और पौधों के मलबे पर बढ़ता है, लेकिन यह जीवित पौधों की पत्तियों और तनों पर भी बढ़ सकता है। फुलिगो सेप्टिका में जिंक का स्तर बहुत अधिक होता है, लगभग 4000 से 20000 ppm तक। फुलिगो सेप्टिका में एक पीला रंग द्रव्य होता है जिसे फुलिगो रूबिन ए कहा जाता है, जिसे फोटो रिसेप्शन और
अपने जीवन चक्र के दौरान ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया में शामिल माना जाता है। जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं। ऐसा ही फुलिगो सेप्टिका के बारे में भी था। प्राचीन समय में लोग इस कलम के कारण आत्मा का मक्खन, चुड़ैलों का मक्खन कहते थे। बाद में इसकी जानकारी वैज्ञानिक तौर पर होने के बाद इसको फुलिगो सेप्टिका नाम दिया गया। अब बात आती है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने की। अभी आप लोग न्यूज और अखबार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सफेद फंगस, काली फंगस और पीली फंगस एक ही संघ में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं और एक जीनस की बहुत सारी प्रजातियां हो सकती हैं। जैसे हम फुलिगो सेप्टिका पर बात कर रहे हैं तो फुलिगा की और भी बहुत सारी जातियां होती हैं। कोई भी फंगस मनुष्य में गंभीर बीमारी एकदम उत्पन्न नहीं कर सकती। फंगस हमेशा अति संवेदनशील लोगों के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही रोग उत्पन्न कर सकती है, अन्यथा नहीं। यह प्रजाति अति संवेदनशील लोगों में अस्थमा और एलर्जी राइनाइटिस करने के लिए जानी जाती है। यह वायरस संक्रमण के रोगियों के लिए उपयोग की जाने वाली कोर्टिको स्टेरॉइड के बाद होने का मामला सामने आया है। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी फंगस होती है बड़ी मुश्किल से ही किसी को बीमार डाल सकती है।